गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद उमर फ्रॉम उमाबाई जयंती पब्लिक स्कूल। यू आर वॉचिंग टू मी यू उमाबाई जयंती पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आप हमें उमाबाई जयंती के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आई अगेन प्रेजेंट फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्न अबाउट चैप्टर नंबर सेकेंड, स्टेइंग सेफ, सुरक्षा रहने का तरीका सीख रहे हैं। किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं एक्सीडेंट से, किस तरह से हम बच सकते हैं, वही हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग सीखे थे एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट कब और कहां होता है, कैसे होता है, किसे होता है, एक्सीडेंट से बचने का कुछ रूल बताया गया था, उस रूल को हम सेफ्टी रूल कहते हैं। द रूल्स प्रोवाइडर्स या प्रोटेक्टर्स फ्रॉम एक्सीडेंट इज कॉल्ड सेफ्टी रूल। ये सब पढ़े थे, वह रूल वह नियम जो हमें एक्सीडेंट से बचाता है वही आपका एक्सीडेंट सेफ्टी रूल कहलाता है, सेफ्टी रूल कहलाता है। सेफ्टी रूल हम लोग पढ़े थे एट होम, घर का सेफ्टी रूल, घर के सुरक्षित नियम, कैसे रहना हमको घर पे जिससे हमें कोई एक्सीडेंट ना हो। पहले बताया गया था किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं यूज करना चाहिए, ब्लेड हुआ, नाइफ हुआ, सीजर हुआ, कैंची सीजर कहते हैं, इसका यूज सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वेट हैंड से यानी गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को नहीं छूना चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यानी कि बिजली के सामान जो है, हीटर हुआ, फैन हुआ, और भी ऐसे है, फ्रिज हुआ, ये सब हो गए, उसको नहीं छूना चाहिए। प्रेस हुआ आपका, ये इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं। इसके बाद बताया गया अपने जो सामान है, चाहे प्लेइंग सामान हो, खेलने वाला सामान हो, या आपके बुक वगैरह हो, फ्लोर पे फैलाना नहीं चाहिए, बिखेरना नहीं चाहिए, इससे आप या आपके परिवार चोटिल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये तो हो गया था। घर का इसके बाद बताया, स्कूल का, स्कूल बताया गया सीढ़ियों पे न तो दौड़ के चढ़ना चाहिए न तो उतरना चाहिए, डेस्क बेंच पे न चढ़ना चाहिए, डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क और बेंच या स्टैंड, डू नॉट पुश और पुल एनी अदर स्टूडेंट, डू नॉट फाइट अदर स्टूडेंट या क्वारल, किसी भी स्टूडेंट से न झगड़ा करना चाहिए, न तो उसको धक्का देना चाहिए, न खींचना चाहिए, डेस्क बेंच पे नहीं चढ़ना चाहिए। व्हाइल यू आर प्लेइंग गेम्स व्हेन योर टर्न कम देन प्ले यू, जब आप खेलने गए हो स्कूल में, जब आपका नंबर आए, चाहे स्विंग का, झूले का, चाहे स्लाइडर का, तब आप उस पे चढ़ करके या झूल कर खेल सकते हैं। ये तो स्कूल का हो गया। इसके बाद बताया गया था नेक्स्ट, आपको बताया गया था प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान, जब बाहर जाओ खेलने के लिए अपने पेरेंट्स को बता के जाओ, गार्जियन को बता के जाओ, किसी भी स्टूडेंट को ढक्कन नहीं देना चाहिए, कटीले पेड़ के नजदीक नहीं खेलना चाहिए, या जहां तार घेरा गया है, बारबेड वायर, कटीलेदार झाड़ियां होती है, तार होते हैं, बाल्टी घिरा रहता है, वहां नहीं खेलना चाहिए। ये हो गया। इसी के आगे आ गया सेफ्टी रूल ऑन द रोड, ऑन द रोड पे कौन सा रूल है, ऑन द रोड, ऑन द रोड फर्स्ट, पहला नियम क्या है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कुछ बच्चों का घर सड़क के किनारे रहता है, वो बच्चे क्या करते हैं, सड़क पे खेलते हैं, ये नहीं खेलना चाहिए, ये एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड।
बताया गया सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। इससे अगर सड़क खेलते हैं एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेट आपका ध्यान जो रहेगा वो खेल पे रहेगा, गाड़ी वगैरह पे रहेगा नहीं, आपको एक्सीडेंट कर सकता। फॉलो ट्रैफिक रूल, फॉलो ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट होता है शहरों में, यहाँ होता नहीं गांव में, तो ट्रैफिक लाइट बता रहे हैं। फॉलो द ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट का ट्रैफिक लाइट होता है उसको पालन करना चाहिए, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे पैदल या फिर पेडेस्ट्रियन हो, सबको उस तो आप लोग देखे होंगे सर, गए होंगे तो ऐसे पोल होता है, पोल में देखते हैं लाइट चलती है, एक में रेड चलेगा, एक में येलो चलता है, एक में ग्रीन चलता है, ये देखोगे तो ये रेड मानते हैं, ये येलो है आपका, ये ग्रीन है। तीन टाइप के लाइट होते हैं, इसको बना लीजिए। तो रेड, जब रेड चले समझ लो आपको स्टॉप होना, चाहे आप गाड़ी जा रहे हो, गाड़ी से लेके जा रहे हो, चाहे पैदल ही जा रहे हो, तो आपको वहां पे रुक जाना ही है, स्टॉप। रेड मतलब ही होता है स्टॉप, ये जब रेड जले तो स्टॉप। देखते हैं, देखोगे शहरों में जैसे ही रेड लाइट जलती है तुरंत व्हीकल्स वाले, बाइसिकल वाले, फोर व्हीलर वाले रुक जाते हैं, इसका मतलब ही होता है डेंजर। हाँ, रेड का मतलब ही होता है खतरा, इसलिए रुकना चाहिए। नेक्स्ट, येलो मानते चल गया तो आप रेडी हो जाओ, क्या हो जाओ, रेडी, तैयार हो जाओ। येलो मतलब ही होता है तैयार रहो, क्योंकि अब ग्रीन लाइट चलने वाली है, आपको आगे जाना है। अपना तैयारी कर लो, वैकेश वगैरह स्टार्ट कर लो। इसके बाद आपका ग्रीन, ग्रीन का मतलब है गो मींस जाओ। ये तीन प्रकार के लाइट, एक पोल पे रहता है, पोल देखोगे, ये तीनों सिग्नल होते हैं, इसी कहते हैं ट्रैफिक लाइट। हाँ, ट्रैफिक लाइट ये तीनों अगर हमें मालूम रहेगा कहीं भी जाए शहर में, अगर नहीं मालूम है, रेड जल गए हम लोग चले गए, तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस ही रहता है, आपको पकड़ करके पनिश भी दे सकता है, पनिश कर सकता है, चाहे मनीष करे, चाहे आपको किसी भी ढंग से हो पनिश कर सकता है। इस तरह से आपको एक ट्रैफिक जो लाइट है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कहीं भी रेड चले शहर में तो रुक जाओ तुरंत, येलो है रेडी हो जाओ, और ग्रीन है तो चले जाओ। ग्रीन जल में रुके रहोगे तो पीछे से आपको कोई एक्सीडेंट कर सकता है। इस तरह से जो तीनों लाइट है इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो बताएगा फॉलो ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट है इनका पालन करना चाहिए, उसका जो रूल है, नियम है, उसका मान के क्या है क्या नहीं यहाँ पर लिख दिया गया, उसको मालूम करना। और क्रॉस द रोड एट द क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग गांव तो होता नहीं, इन विलेज विलेजर रोड डू नॉट हैव क्रॉसिंग रोड, बट दिस ज़ेब्रा क्रॉसिंग आर फाउंड इन द सिटी। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होते हैं वो सिटी के यानी कि शहर वाले जो रोड होते हैं वहां पाए जाते हैं, चौराहे पे होते हैं। तो ज़ेब्रा तो आप देखे होंगे, गए होंगे शहर में, ऐसे एक रोड होता मानते हैं, ऐसे ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, उसी में ऐसे ये वाइट वाइट पट्टी लगी रहती है या वाइट है लाइन ड्रा किया रहता है, वही आप होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। उसी से जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, पैदल वाले होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, उसी से रोड को पार करते हैं, आर पार जाते हैं। ये आर पार जाने का सिग्नल होता है, रास्ता होता है, जिससे आर पार होना चाहिए। हाँ, लेकिन गांव में क्या होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता नहीं,
अब हमको उस पार जाना है, कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, हमें राइट साइड देखना है, लुक फर्स्ट राइट साइड देन लेफ्ट साइड अगेन राइट साइड देन पास द रोड। पहले क्या करना चाहिए, राइट साइड देखिए फिर लेफ्ट साइड फिर राइट साइड देखिए, कोई व्हीकल्स आ नहीं रहा, रोड क्लियर है, तो आप रास्ता यानी कि उस रोड को पार करना है। ये हो गया नंबर थर्ड, वॉक ऑन द फुटपाथ, वॉक ऑन द फुट, फुट मींस पैर होता है, पाथ मींस रास्ता, पैदल रास्ता जिसे कहते हैं, हमेशा पैदल रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैदल रास्ता गांव में क्या होता है, देखे होंगे सड़क किनारे लेफ्ट साइड और बाएं राइट साइड भी देखे होंगे, लेफ्ट साइड भी देखे होंगे, जिधर जाओगे वो समझ में लेफ्ट साइड, हमेशा आपको किस साइड से होकर के चलना चाहिए, लेफ्ट साइड से, हाँ चाहे व्हीकल हो चाहे पैदल हो चाहे साइकिल हो, हाँ किसी भी हो तो किस साइड से हम लोग को चलना चाहिए, लेफ्ट साइड, रोड पे नहीं, लेफ्ट साइड मान लेते रोड पे हो गए, रोड के किनारे जो रास्ता होता है जो कच्चा होता है उससे होकर चलना चाहिए पैदल, अगर गाड़ी वगैरह से तो लेफ्ट साइड होकर चलना चाहिए। लेकिन शहरों में क्या होता है, फुटपाथ होता है, रास्ता बना होता है, ईंट का बना ब्रिक्स, हाँ सड़क ऐसे होता है, मानते सड़क को नहीं आता, इसके चारों तरफ ऐसे इस साइड उस साइड, हाँ जब एकता बैठा जाता है वही होता है फुटपाथ, यानी कि हमेशा फुटपाथ से ही चलना चाहिए। हाँ ये हो गए तीन नियम सड़क का, पहला जो जो सड़क किनारे बच्चे रहते हैं उनको ये है कि सड़क पर आकर के ना खेलें, सेकेंड बताएगा ट्रैफिक लाइट का, जो ट्रैफिक लाइट होता है उसका पालन करना चाहिए, और अगर रोड पार कर रहे हैं तो जब तक क्रॉसिंग से होकर पास पार करें, गांव में बताएगा पहले दाहिने तरफ देखेंगे फिर लेफ्ट साइड फिर राइट साइड देख करके, अगर रोड क्लियर है कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं आ रहा है तो आप रोड पार कर सकते हैं, और हमेशा लेफ्ट साइड होकर चलना चाहिए, और शहरों में तो फुटपाथ होता है उससे होकर के चलना चाहिए, तीन रूल हो गए हाँ सेफ्टी ऑन द रोड। ये हो गया इसको बना लीजिए ट्रैफिक लाइट, अब अगला है आपका फास्ट एड, फर्स्ट एड, फर्स्ट में जाते हो फर्स्ट में पहला और एड मीन्स उपचार होता है, ट्रीटमेंट इलाज, पहला इलाज पहला उपचार या प्राथमिक उपचार भी कहते हैं ना, प्राथमिक उपचार या पहला इलाज भी कह सकते हो, पहला उपचार पहला इलाज या प्राथमिक इलाज दोनों कोई भी एक क्या होता है, पहले देखिए क्या पर जब तुम घर पे कुछ कर रहे हो किसी से लग गया आपको चोट वगैरह मानते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके एल्डर्स आपके बड़े जो है क्या करते हैं, डिटॉल वगैरह से धुल देते हैं, उसको साफ करते हैं पहले, या कोई कपड़ा वगैरह से उसको बांध देते हैं। ये हो गया आपका पहला यानी प्राथमिक उपचार, वही होगा डॉक्टर को दिखाने से पहले जो उपचार करते हैं हम लोग या घर के लोग करते हैं आपके एल्डर्स या आपके गार्जियन जो उपचार करते हैं जो इलाज करते हैं वही आपका फर्स्ट एड कहलाता है, जो तुरंत की जाती है, मान लेते आपको बहुत कट गया हाथ हाँ तो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कसके बांध देते हैं जिससे खून ज्यादा बढ़ने नहीं पाता ब्लड, यही आपका हो गया, फिर आप डॉक्टर पास जाके दिखाते हैं तो इलाज करता है ढंग से,
वही होता है आपका फर्स्ट एड जो इमीडिएट। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा क्या है, द इमीडिएट, इमीडिएट मीन्स तुरंत, जस्ट जिसे कहते हैं द इमीडिएट help the given the immediate help given the immediate help given to the injured, injured means घायल, हाँ जिसको चोट लगा हुआ उसको injured पासिंग करता है, injured घायल injured person, the immediate help given to the injured person before नहीं जानते हैं, after before, after इस बाद में होता है, before इस पहले, before the doctor arrived, the डॉक्टर एराइव में से पहुंचना होता, डॉक्टर के पहुंचने के पहले जो तुरंत उपचार किया जाता है, हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है, वही एराइव, डॉक्टर एराइव इस कॉल It's called first aid. First aid. यही आपका first aid होगा। The immediate. Immediate means just, यानी कि तुरंत help given वह यहां बताया गया तुरंत दी जाने वाली सहायता किसी भी injured person को डॉक्टर के आने से पहले फर्स्ट एड कहलाता है। कोई भी सहायता, कोई भी मदद या कोई भी इलाज किसी भी डॉक्टर के आने से पहले जो किसी भी घायल व्यक्ति को दी जाती है वही आपका फर्स्ट एड कहलाता है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लेते हैं स्नेक काट लेता है, हम लोग जानते हैं ना स्नेक काट लेता है तो क्या करते हैं बहुत लोग, जहां काटता है उसके ऊपर, जैसे हम मान लेते काट लिया तो इसके ऊपर यहां कपड़ा बांध लेते हैं, जिससे ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड आपका क्या होता है एक बार ऊपर से यहां से नीचे आता है हार्ट से, ये हार्ट होता है जिसे दिल कहते हैं, हृदय कहा जाता है हार्ट से, वो क्या करता है एक बार खून को पूरे बॉडी तक भेजता है, भेजेगा फिर क्या करता है रिसीव करता है, खींचता है, तो यहां काटा है अगर यहां बांध देंगे तो आपका जो जहर है उसका पॉइजन है स्नेक का, अगर बांधे रहेंगे तो आपका जो पॉइजन है वो ऊपर आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर हार्ट में चला गया एक बार, यहां ही काटा है एक बार हार्ट में चला गया तो फिर भेजेगा पूरे ब्लड पूरे बॉडी तक, तो पूरे बॉडी तक फैल जाएगा और तुरंत मर सकते हैं। इसलिए घर वाले क्या करते हैं या पर्सन आपको कोई भी पर्सन जिसको मालूम है तो वो क्या करते हैं तुरंत कपड़ा बांध देते हैं, इसके बाद उस पर्सन को डॉक्टर के पास या जो जड़ी बूटी पिलाने वाले होते हैं तो उसके पास उनके पास ले जाते हैं। यही हो गया आपका फर्स्ट एड, हाँ फर्स्ट एड समझ में आया, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन Before the doctor arrives is called first aid। इतना लिख लीजिए, इसको बना लीजिए और आपका सेफ्टी रूल बताए थे, इस तरह से आज यहाँ तक, अगले चल फिर बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे हम फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं जब हमें कहीं चोट लगा हुआ क्या हुआ है, हाँ उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ तो होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क
first. Right safety rule on the road. जो लिखा है तीनों राइट द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इसको लिख लीजिए जो सेफ्टी रूल रोड का है उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड, सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट को ड्रा करिए कैसे कैसे है ये स्टार है क्या हमको पता से करता बताता है, हेलो क्या बताता है और ग्रीन हमें क्या कहता है। व्हाट से द ग्रीन, व्हाट से द येलो एंड व्हाट से द रेड यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसको आप इस तरह से अच्छे तरह से कलर करके रेड रहे तो रेड येलो रहेगा तो येलो कलर, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर करके उसको यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा ट्रैफिक लाइट। That's all. It's okay.